ये JCB 3DX का फ्यूल इंजेक्शन पंप है जो पिछले पार्ट में हमने खोल के दिया था, क्योंकि ये इस होल से लीकेज था तो हमने वो खोल के दिया था। ये अब रिपेयर करके लाया गया है। 15,000 तक इसका खर्चा आ चुका है, क्योंकि एडवांस बॉक्स और इसका शाफ्ट, इसकी सील किट वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ा है। मैंने वैसे ही आपको पिछले पार्ट में बोला था, 12,000 से 22,000 तक इसका खर्चा आता ही रहता है हमेशा। तो दोस्तों, क्यों ख़राब होता है इसके बारे में आज हाँ आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके दो रीज़न है। एक तो डीजल फिल्टर से किसी भी कारण हो सकता है, आप डीजल फिल्टर जल्दी चेंज नहीं करते हो, ये सब डीजल से कचरा अगर अंदर जाएगा तो ये फेल होगा। और दूसरी बात, इस एफआईपी में बिना डीजल, मतलब डीजल ख़त्म होने के बाद आप स्टार्टर मारोगे बार बार तो भी ये एफआईपी आपका ख़राब होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी पूरे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा एक्सेलेटर, ट्रांसमिशन है, अंदर के पार्ट्स चलने के लिए क्या होता है, ऑयल होता है, लेकिन इस पंप में वैसा नहीं है। इस पंप का लुब्रिकेशन, जो ऑयल काम करता है, वो डीजल ही काम करता है। इसमें सिर्फ डीजल ही होता है, ऑयल का एक बूंद भी नहीं होता। फिर डीजल ख़त्म होगा और आप स्टार्टर पे स्टार्टर मारोगे तो जो मटेरियल है इसके अंदर का, वो डैमेज होता है, वो हो सकता है, इसीलिए आपके FIP में बार बार प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप डीजल फिल्टर टाइम टू टाइम चेंज करते हो, जब कभी भी डीजल इसका ख़त्म होता है तो तुरंत आप पहले डीजल इसमें फिल करके एयर अच्छी तरह से निकल के चालू करते हो तो आपको कभी भी FIP का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हमारा FIP पूरी तरह से असेंबल हो चुका है, मशीन पे फिट हुआ है। पूरे होज, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये लिफ्ट पंप पूरी तरह से हमने इसका फिट किया है। अब इसे चालू करके देख लेते हैं, लीकेज बंद होता है या कुछ और प्रॉब्लम आता है या सब कुछ ठीक चल रहा है। मशीन अभी भी स्टार्ट है, कोई भी लीकेज नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है। जो पहले वाला प्रॉब्लम था इस मशीन का, मशीन सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं होती थी, वो भी प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि JCB 3DX के सारे के सारे